जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, इस पर तो मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है, उसकी बात बाद में करते हैं। हम लोग पहले आते हैं कि स्वतंत्र दिवस, ये स्वतंत्र देश में हम लोग एक अच्छे नागरिक की भूमिका कैसे निभाएं। तो कैसे निभाएंगे, आप अच्छा पढ़ के और हम अच्छा पढ़ा के। चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छा सा बढ़िया सा वीडियो। तो देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी सेट थ्योरी के बारे में, आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। देखिए बेटा, टाइप्स ऑफ सेट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो सेट के बारे में हम लोग टाइप्स पढ़ते हैं वो स्पेशली उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक सेट, दैट इज कॉल्ड सबसेट। तो सबसेट की बात तक पहुंचने के लिए पहले हमें कई सीढ़ियों के जो पायदान होते हैं उन पर चढ़ना होगा। तो चलिए पहले जरा हम उन बेसिक से टाइप्स को जानते हैं। देखिए, सबसे पहला जो टाइप आता है इसमें सेट में, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। क्या कहते हैं बेटा? एम्प्टी सेट, या इसे नल सेट कहते हैं। वो वाला नल नहीं जो सनी देओल उखाड़ के लाए थे, ये नल है इंग्लिश में। इसका मतलब होता है क्या? एम्प्टी। तो समझिए ये एम्प्टी सेट या नल सेट क्या होता है। जैसे कि मैंने कहा कि आपकी क्लास में मॉनिटर का सेट बताओ, तो कहोगे सर हम ऐसा ऐसा नहीं मानते, हमारी क्लास में हम सब मॉनिटर, हम किसी मॉनिटर की नहीं सुनते, हम ही मॉनिटर और ना कोई मॉनिटर नहीं। तो यानी एक तरीके से आपकी क्लास में आपके अकॉर्डिंग मॉनिटर की वैकेंसी क्या रही? जीरो। तो इसी तरीके से यहां पर भी इस सेट में क्या होता है, अगर एक सेट ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जीरो हो, मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, तो वो क्या कहलाता है? एम्प्टी सेट या नल सेट कहलाता है। और नल सेट को बेटा हिंदी में कहते हैं क्या? रिक्त समुच्चय। रिक्त मतलब क्या? खाली। आता नहीं है रिक्त स्थान भरो, तो यहां पर आपको रिक्त स्थान भरना नहीं बल्कि रिक्त स्थान बनाना है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट या नल सेट कहते हैं। तो समझिए जरा इसको मैथ्स के टाइप में। जैसे मैंने कह दिया एक्स सच दैट, मैंने कल बता दिया था कि सच दैट के लिए आप डबल डॉट यूज कर सकते हैं या एक स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं, दोनों ही सिंबल एक ही है। मैंने कह दिया एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो, जहां एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। आपको मैंने कल बताया था ये आलसियो वाला मेथड है, बताया था ना, दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर मेथड। बट मैंने इसका एक नया नाम रखा था, सेट क्वालिटी बिल्डर मेथड। अब जरा इसी को हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करें, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। यहां पर कुछ लिखा हुआ है, ये दिख रहा है ना एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो, आपको इक्वेशन सॉल्व करना आता होगा, नहीं आता तो मुझे शक है आपके इलेवेंथ में आने पर। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो को देखते हैं क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस फोर। चलिए मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूं, वरना आप लोग कहेंगे सर जितने साइज के उतने ही तरीके के वर्ड्स बनाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो, तो यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा क्या आएगा? माइनस फोर। अरे ये क्या हुआ, यहां पर तो हम क्या देख रहे हैं कि एक्स के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? निगेटिव। लेकिन हम लोगों को क्या पढ़ाया गया कि कभी भी किसी भी वैल्यू का स्क्वायर निगेटिव नहीं होता। और एक बात यहां पर और लिखी हुई है कि x बिलोंग्स r, यानी कि x क्या है? रियल नंबर है। तो क्या किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर निगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब ऐसी कोई वैल्यू यहां पर पॉसिबल नहीं है। तो कहोगे आपके सर अगर स्क्वायर निगेटिव आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो होता होगा। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ होता है, वही कुछ कहलाता है क्या? इमेजिनरी नंबर। क्या कहलाता है? इमेजिनरी नंबर। बहुत मजे से बात करेंगे चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर में इसके बारे में, बहुत बढ़िया कहानियां बताएंगे। तो चलिए इसको तब के लिए छोड़ते हैं, अभी समझिए क्या कि ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, यानी यहां पर x ऐसी कोई रियल वैल्यू नहीं दे सकता। इसका मतलब इस सेट को अगर हम लोग बनाते हैं किसमें, हम लोग बनाते हैं अगर इसे रोस्टर मेथड में, बताया था रोस्टर वो रोस्टिंग वाला रोस्टर नहीं है, ये आर ओ एस टी आर वाला मेथड है, तो यहां पर कोई भी एलिमेंट मिलेगा नहीं, तो ये सेट कैसा सेट कहलाएगा? नल सेट या एम्प्टी सेट कहलाएगा, हिंदी में रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसी को आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, या फिर फाई ग्रीक लेटर होता है, फाई से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कुछ लोग बनेंगे तीरंदाज, क्या कहेंगे सर आपने बताया था अगर सेट है तो फिर इन सिंबल का यूज करना जरूरी है, तो आपने अकेला फाई लिखा यानी आपने गलत लिखा। बेटा टीचर जल्दी गलत नहीं होता, समझो कैसे,
अगर ऐसे लिख रहे हैं तो ये एक एम्प्टी सेट का नोटेशन है, अगर ओनली फाइव लिख रहे हैं तो वो एम्प्टी सेट का रिलेशन है या सॉरी नोटेशन है, लेकिन अगर इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर दिया तो यहां पर ये एक एम्प्टी सेट नहीं बचेगा। तो याद रखिएगा ओनली फाइव, अदरवाइज कर्ली ब्रैकेट बना के उसे एम्प्टी ही छोड़ दो। तो ये कहानी है किसकी, नल सेट यानी रिक्त समुच्चय की। अब बात करते हैं अपने अगले टाइप पे, तो जरा ध्यान से पढ़ते रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। ये नहीं कह रहे चलो तो समझ लिया, बहुत मजा आ गया, अब तो सब समझ लिया, लो आ गए 100 में 100, नहीं पूरा पढ़िएगा। तो अब आके आते हैं सेकेंड टाइप में। सेकेंड जो टाइप है दैट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। क्या कहलाता है बेटा, सिंगलेटन सेट। इसको हिंदी में कहते हैं एकल समुच्चय। क्या कहते हैं, एकल समुच्चय। सिंगलेटन सेट का मतलब समझिए, जरा देखो कभी कभी मैं क्या करता हूं कुछ चीजों को उल्टा समझने की कोशिश करता हूं तो जल्दी समझ में आ जाती हैं। यहां पर देखा सिंगलेटन, सिंगल निकाला और इधर का जो टन लिखा था इसको मैंने उल्टा देखा तो लिखा था एनओ डॉट। तो यानी क्या, जिसमें सिंगल नंबर हो, यानी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, ओनली वन हो, तो वो क्या कहलाता है, सिंगलेटन सेट। जैसे क्लास में जो होते नहीं है भौकाली टाइप लड़कों का टाइप जो होते हैं तो वो कितने होते हैं, हमेशा सिंगलेटन। क्यों, क्योंकि हर एक लड़का केवल अपने आप को सबसे ज्यादा क्या समझता है, भौकाली समझता है। तो आपका सेट वो कैसा हो गया, सिंगलेटन। जरा मैथ के टाइप से समझते हैं, हमने कहा कि x सच दैट, चलो आपकी उस बार डंडा की जाता आपकी दो पॉइंट बना करके करते हैं, यानी x सच दैट हिंदी में जबकि क्या है, x प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, जहां पर x बिलोंग करता है किसको, रियल नंबर को। चलिए जरा देखते हैं क्या आ रहा है। तो यहां से x प्लस वन की वैल्यू को अगर देखें तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन ही तो आएगी। ये बात तो आपने पढ़ी ली होगी कि किसी वेरिएबल, यानी जो वहां पर इक्वेशन में वेरिएबल मौजूद होता है उसके जितनी पावर होती है उतने उसके क्या आते हैं, रूट्स आते हैं, यानी जितनी उसकी घातें होती है उसके उतने ही क्या होते हैं, मान आते हैं। तो यहां से x की वैल्यू बच्चा क्या आएगी, माइनस वन, यानी ये एक इकलौता ही रियल नंबर है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यानी यहां पर क्या आया, ओनली माइनस वन। तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, एक। तो ये कैसा सेट कहलाया, सिंगलेटन सेट, यानी एकल समुच्चय। फिर से समझिएगा, सिंगलेटन सेट मतलब एकल समुच्चय, यानी इसमें एक है केवल, कौन, एलिमेंट। अब जरा जो एलिमेंट कह रहे हैं इसको एक और वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्डिनल नंबर। क्या याद रखिएगा, कार्डिनल नंबर हिंदी में कहते हैं गणन संख्या। क्या कहते हैं, गणन संख्या। कार्डिनल नंबर क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा समझिएगा, ए इक्वल्स टू वन कॉमा टू कॉमा थ्री, तो यहां पर कितने एलिमेंट्स हैं, एक दो तीन। कह दो सर जी इतनी गिनती तो हमें भी आती है, बहुत बढ़िया। फिर तो वन टू थ्री, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, थ्री। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल्स टू थ्री। अब कह दो सर ऐसा तो नहीं है ये आप तीन को केवल यहां पे कॉपी कर रहे हैं, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन मत, ए बी और सी अभी भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। तो मैंने इस सेट का चलो नेम डिफरेंट कर दिया बी, और यहां पर क्या हो गया, एन बी इक्वल टू थ्री। देख रहे हैं यहां भी टोटल कितने एलिमेंट्स, थ्री, यहां भी टोटल कितने एलिमेंट्स, थ्री। तो ये जो थ्री है इस सेट के लिए क्या कहलाता है, कार्डिनल नंबर, यानी गणन संख्या कहलाता है। तो अगर किसी सेट की कार्डिनल नंबर यानी कि गणन संख्या कितनी हो, ओनली वन हो, तो वो सेट कैसा सेट कहलाएगा, सिंगलेटन सेट कहलाएगा। कैसा कहलाएगा बेटा, सिंगलेटन सेट कहलाएगा। अब बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, बहुत बढ़िया सा टाइप है, इसको कहते हैं क्या, फाइनाइट सेट। क्या कहते हैं बेटा, फाइनाइट सेट। फाइनाइट का तो मतलब जानते हो कि नहीं जानते हो, एफ आई एन आई टी ई, फाइनाइट सेट। हिंदी में कहते हैं परिमित समुच्चय। क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय। फाइनाइट मतलब क्या, जिसमें हम किसी चीज की लिमिट जानते हो, मतलब जिसमें हमें पता हो कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। यानी कि जैसे मैंने कहा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं यहां पर,
अगर हम काउंट करें तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 6 हैं। या अगर इस सेट का नेम हमने ए कह दिया तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? 6। यानी इसका कार्डिनल नंबर कितना है? 6। काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? भाई कर सकते हैं, तो ऐसा सेट क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट। आपकी क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमेशा फाइनाइट रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। लेकिन अगर पूछ ले आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स का एज का क्या है इंटरवल, उस एज इंटरवल के टोटल पूरे वर्ल्ड में कितने लोग हैं, अब हो गया इनफाइनाइट सेट। मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते। अब पता नहीं 15-16 साल के कितने बच्चे हों। अब आपकी क्लास में कोई 22 का निकल आए तो भाई मैं नहीं जानता। तो चलिए इसकी बात हम करें तो ये एक ऐसा सेट कहलाया इनफाइनाइट, और फाइनाइट में हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर हम बात करें किसकी? इनफाइनाइट की, तो चलो थोड़ा सा शॉर्टकट मारा जाता है। तो इनफाइनाइट सेट कौन सा? इनफाइनाइट सेट मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल ना हो। इसको हिंदी में कहते हैं अपरिमित समुच्चय। क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय। मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने कहा नेचुरल नंबर का सेट, आप बताओ कितने नेचुरल नंबर होते हैं? हो गया ना मामला गड़बड़। क्यों? क्योंकि हम इनको टोटल काउंट नहीं कर सकते। मैंने कहा जरा रियल नंबर बताओ कितने होते हैं? कह दोगे सर क्या पता, मैं तो मनाता हूं मेरे पास रियल नंबर जितना एंड होता है उतना पैसा आ जाए तो फिर तो क्या मजे हैं। तो यहाँ पर ये जो सेट है वो कैसे सेट है? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि इनमें एंड कहाँ पे है पता नहीं, या ऐसा कह सकते हैं इनमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की क्वांटिटी कितनी है हम बता नहीं सकते। तो ऐसे सेट क्या कहलाते हैं बच्चा? इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सेट की तरफ। अगला जो सेट है वो और भी बेहतरीन सेट है, जिसको कहते हैं क्या? इक्विवेलेंट। चलिए उससे पहले जरा एक और बढ़िया से सेट के बारे में जान लेते हैं, यूनिवर्सल सेट। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट। अब जरा यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट समझो। यूनिवर्सल सेट, अपने घर में मम्मी लोगों की गुल्लक होती है। कैसे? आपसे कहें कि हमारे पास चीज नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन जब जरूरत होगी तो जितने मांगोगे उतने क्या हो जाते हैं? निकल के आ जाते हैं। वैसा ही होता है क्या? यूनिवर्सल सेट। हिंदी में कहते हैं इसे समष्टीय समुच्चय या प्राकृत समुच्चय। क्या कहते हैं? समष्टीय समुच्चय या प्राकृत समुच्चय। इसको समझो यूनिवर्सल सेट क्या है। यूनिवर्सल सेट अपनी सिविलाइजेशन के एक वर्ड वसुधैव कुटुंबकम का ही एक तरीके का रूप है। कैसे? वसुधैव कुटुंबकम ये कहता है इस वसुधा पर रहने वाला प्रत्येक प्राणी अपने कुटुंब के यानी अपनी फैमिली के जैसा है। यूनिवर्सल सेट भी कहता है तुम जितने छोटे छोटे सेट बनाते चले जाओ वो सेट किसके हैं? मेरी ही फैमिली के मेंबर हैं, वो और कोई नहीं है। यानी अगर आपने एक सेट बनाया जिसमें ए ई आई ओ यू यानी वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स ले लिए, तो यहां पर यूनिवर्सल सेट क्या होगा? ए बी सी से लेकर के जेड तक का, मतलब जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट हैं वो यूनिवर्सल के साथ आ गए। अब इससे जितने छोटे छोटे आपको अलग अलग टाइप के पार्ट्स बनाने हैं सेट के, आप बेझिझक बनाओ। यूनिवर्सल ने कह दिया मैं पूरी क्या हूं? पृथ्वी हूं, यानी मैं पूरे अर्थ के समान हूं, मेरे पास सब कुछ है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सेट यानी समष्टीय समुच्चय या प्राकृत समुच्चय कहलाता है। इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं जरा जान लीजिए। कुछ लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग और ज्यादा भौकाल मारते हैं तो वो एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे भी ज्यादा भौकाल मारना होता है तो एक होता है सिंबल जाई। क्या कहते हैं? जाई। इससे रिप्रेजेंट करते हैं तो वो तो डिपेंड करता है आपके भौकाल मारने के तरीके पे, लेकिन भैया हम ज्यादा भौकाल नहीं मारते, हम सिर्फ किससे रिप्रेजेंट करेंगे? यू से, यानी यूनिवर्सल सेट है तो उसे किससे? यू से। एस से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि आगे प्रोबेबिलिटी में हम लोग पढ़ते हैं सैंपल स्पेस। क्या पढ़ते हैं? सैंपल स्पेस यानी प्रतिदर्श समष्टि, तो वहां पर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से, इस वजह से इसे एस से भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये कहानी थी किसकी बेटा? यूनिवर्सल सेट की। आई होप आपको मजा आ रहा होगा।
बिल्कुल, हमें तो बड़ा आ रहा है क्योंकि जब आप लाइक करते हो ना और कमेंट करते हो ना, तो फिर वाह 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 क्या पढ़ने मजा आता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो सेट है दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। क्या कहते हैं बेटा? हिंदी में समतुल्य समुच्चय। क्या कहते हैं? समतुल्य समुच्चय। और एक और होता है दैट इज कॉल्ड इक्वल सेट, यानी समान समुच्चय। अब इन दोनों का मतलब समझिए। मैंने एक सेट ले लिया ए, एक ले लिया बी और एक ले लिया सी। भैया हम यूनिवर्सल सेट की बात मान लिए, हम एबीसी चाहे जितने भी बना ले सेट, हमें कोई रोक नहीं सकता। और वैसे भी वीडियो बना रहे तो कौन रोकेगा। तो अब देखो ए बी और सी। अब ए में जरा हम देखते हैं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और कौन कौन से एलिमेंट लिए। हमने सपोज एलिमेंट ले लिए चलो ए, ई और आई। हमने बी में एलिमेंट्स ले लिए ई, आई और ए। हमने सी में एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 ना लेकर के, मान लीजिए हम बी सी और डी ले लिए। मान लो 1 2 3 भी ले लेते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चलो ले लेते हैं यार, वरना कहोगे सर्दी पढ़ के नहीं आया लगता है। 1 2 और 3। तो हमने यहां पर ये 4 टाइप्स के क्या ले लिए हैं? सेट ले लिए। अब जरा इन सभी सेट्स में एक बात ध्यान देना, क्या इसका कार्डिनल नंबर लिखो। कार्डिनल नंबर यानी गणन संख्या जो दिमाग में आपके गड़ जाए एकदम पढ़ाई की तरह। तो यहां पर कितने हैं? 3। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बचा कितने? 3। यहां भी कितने? 3। यहां भी कितने? 3। यहां भी कितने? 3। ध्यान से देखो, अगर दिख रहा हो तो यहां पर ये सब कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स? 3 3 3 3। तो यहां पर क्या है, इन सबके कार्डिनल नंबर सेम है। अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि कार्डिनल नंबर इक्वल हो बट एलिमेंट्स इक्वल ना हो तो उसे क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट यानी समतुल्य समुच्चय कहते हैं। कि तुलनात्मक रूप में समान है लेकिन एक्चुअली वो इक्वल नहीं है। जैसे कि ए और सी और डी, ये सब क्या है? समतुल्य यानी इक्विवेलेंट सेट है क्योंकि इनमें एलिमेंट्स की क्वांटिटी तो सेम है, लेकिन यहाँ ए ई आई है, बी सी डी है और ये 1 2 3 है। इनमें आपस में कोई सिमेट्री, सॉरी इनमें आपस में कोई भी इक्वालिटी नहीं है। तो ऐसे सेट क्या कहलाते हैं? समतुल्य। यानी ए समतुल्य है सी के, यानी ए इक्विवेलेंट है सी के, सी इक्विवेलेंट है डी के, या ए इक्विवेलेंट है डी के। आप इसमें से किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर ये जो साइन बनाया लहराते हुए नागिन जैसा, ये है क्या? इक्विवेलेंट साइन। क्या है? इक्विवेलेंट साइन। अब बात आती है किसकी? इक्वल की। तो इक्वल जरा समझिए, इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम थे, इक्वल में क्या होगा? इक्वल मतलब क्या भैया? जिसमें सब कुछ सेम सेम हो। तो यहां पर क्या भाई कहते नहीं है, दो भाई मान लो भाई बहन है, भैया के लिए कोई चीज आ गई और दीदी के लिए ना आई, तो दीदी क्या कहते हैं? हमका इक्वल नहीं है उनके जैसे, तो भैया इक्वल है, इसीलिए जो भी चीज समान आए वो सबके लिए बराबर। अब पापा जिद ना करने लगना कि सर जी ने कहा था। तो यहां पर देखो ए और बी, ए में कौन है? ए ई आई। ध्यान से देखना, ए ई और आई सेम ही तो है। मैंने कल बताया था सेट में ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता बेटा, इसको चाहे इधर उधर चाहे जितना घुमाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो चीजें हैं वही रखना। तो ये दोनों एक तरीके से क्या हो गए? इक्वल यानी एक जैसे, यानी एक समान। तो ए और बी क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट कहलाएंगे, यानी ए बराबर हो गया बी के। कोई डाउट यहां तक? तो ये इक्विवेलेंट और इक्वल सेट की बात हो गई। अब आते हैं बात करने बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट, वो है क्या? सबसेट के बारे में। किसके बारे में? सबसेट के बारे में। समझिएगा, सबसेट में ज्यादातर लोग बड़ा कंफ्यूज हुए करते हैं। क्यों? क्योंकि सबसेट का एक ही मतलब बता दिया जाता है आप लोगों को। सबसेट का मतलब बता दिया जाता है ये सिंबल, बस यहीं से आधी कहानी क्या हो जाती है गड़बड़। मैं आपको एक बढ़िया तरीका बताता हूं। देखिए सबसेट, अच्छा समझो, अच्छा खासा किसी का नाम है रजत, उसके आगे लगा दिया जाए विरजत,
वी लगा दिया जाए तो कुछ तो प्रभाव पड़ा ना आगे वाले सेट का, यानी आगे वाले वर्ड का। अभी मान लो यहाँ पर नाम है मेरा रजत, अब इसके आगे तुमने लगा दिया क्या वी रजत, अब क्या हुआ, फर्क पड़ गया, अरे नाम का मतलब बदल हो गया, हालात बदल गए, जज्बात सब बदल गया। तो यहाँ पर क्या है, यही चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जब लग जाता है क्या सब सेट में सब वर्ड। अब इस सब वर्ड का समझिए, अगर इस वर्ड का मतलब होगा कुछ तो ये कुछ ना कुछ सेट पर अफेक्ट करेगा, यानी ये सेट को किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ तरीके से चेंज करेगा या उसके बारे में कोई स्पेशलिटी बताएगा। तो समझिएगा, सबसेट होते हैं दो टाइप के, कितने टाइप के, दो टाइप के। एक कहलाता है क्या प्रॉपर सबसेट, क्या कहलाता है प्रॉपर सबसेट। एक कहलाता है इम्प्रॉपर सब्जेक्ट, सॉरी सबसेट, क्या कहलाता है इम्प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर इम्प्रॉपर। समझिएगा, पता है मेरी इंग्लिश पहले बड़ी वीक थी, फिर कुछ दिनों मैंने इंग्लिश पढ़ी तब मजबूत हुई, तो उस वीक इंग्लिश के दौरान मैंने इसको प्रॉपर को प्योर पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया प्योर, और इम्प्रॉपर को गलती से पढ़ लिया इम्प्योर, क्या पढ़ लिया इम्प्योर। अब कहेंगे सर गलती पढ़ ली तो गलती बता कर है, चुपचाप छुपा लेते, नहीं कभी कभी गलतियां भी बड़ी अच्छी होती हैं। तो समझिएगा, ये नहीं कि आप वहां एग्जाम में जाकर के गलतियां कर डालें और कह दें कि सर जी ने कहा था गलतियां बड़ी अच्छी होती हैं क्योंकि कुछ दाग अच्छे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो प्रॉपर मतलब प्योर, इम्प्रॉपर मतलब इम्प्योर। अब जरा समझिए सबसेट क्या कहता है, सबसेट कहना यह चाहता है कि जैसे कि आपने कोई एक सेट ले लिया, क्या ले लिया सेट, बेटा कितना मिनट हो गया 11, सेट जैसे हमने ले लिया, सेट जैसे हमारे पास है a इक्वल्स टू 1, 2 एंड 3। पता है मैं नंबर्स नहीं लेता, मैं लेता हूं इंग्लिश अल्फाबेट। रीजन ये है कि जब नंबर ले लो ना तो आधे लोगों को लगता है 3 लिख दिया तो अपने का उस सेट का एलिमेंट तो नहीं लिख दिया, जबकि मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ एलिमेंट, इसलिए मैं थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। ए बी और सी, हमने कोई एक ये सेट ले लिया, अब इस सेट के हमें प्रिपेयर करने हैं क्या सबसेट, क्या प्रिपेयर करने हैं सबसेट। तो देखिए कैसे बनाते हैं, जो ये एलिमेंट्स हैं ए बी और सी, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, समझिएगा बड़े ध्यान से, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं हकीकत में मत कर डालना, पता चले कहीं तो सर जी ने कहा था ये एग्जांपल है। समझिएगा ए बी और सी, हमने क्या कहा कि भैया मान लो ए बी और सी जो है किसी पिता के 3 पुत्र हैं, मतलब किसी फादर के 3 क्या है सन है, उन्होंने ईच एंड एवरी पर्सन को 5 रुपीज दिए। तो क्या सर जी सस्ता रुपए लेते हो, बेटा क्या करें सस्ता सस्ता काम सस्ते सस्ते रुपए ले लेते हैं, अब अभी लिख दे 500 तो सब लोग खुश हो जाओगे। तो देखो ए बी और सी उन्होंने तीनों बच्चों को 5-5 रुपए दिए और कहा बेटा ये 5 रुपए खर्चा करने का तुम्हें पूरी आजादी है क्योंकि आज है क्या आजादी का दिन। तो समझिएगा इन 5-5 रुपए को तीनों को दे दिए, कहा जाओ और खर्चे कर डालो। अब हुआ क्या, तीनों बच्चे बहुत अच्छे, क्या कहा, कहा हम नहीं जा रहे हैं पैसे खर्चे करने क्योंकि लॉकडाउन में स्थिति थोड़ी तंग हो गई है। तो कहा कोई भैया खरीदने नहीं गया, जो खरीदने जा रहे हैं उनका हम सेट बनाते हैं। पहले कहा हम में से कोई भी चीज खरीदने नहीं जाएगा, रुपए दे दो हम रखे रहेंगे आगे कभी काम आएंगे। कोई भी नहीं गया तो कोई एलिमेंट ही नहीं आया, तो ना एलिमेंट आए तो कैसा सेट कहलाता है एम्प्टी सेट कहलाता है, यानी नल सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट सिलेक्टेड नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, ए ने कहा ए तो वैसे पापा पैसे नहीं देते, आज दिए हैं तो चलो बहाना मिला है, चलो टॉफी बिस्किट लेकर के ही खा लेते हैं, नहीं तो 5 रुपया वाला पार्ले जी का बिस्किट खा लेते हैं, इसमें मुझे पार्ले वालों ने कोई पैसे नहीं दिए एडवर्टाइज करने के, ठीक है मत सोचिएगा सर जी एडवर्टाइज कर रहे हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या, ए बी और सी, ए ने कहा कि भैया बी और भैया सी तुम जाओ चाहे ना जाओ हम जाएंगे, तो ए चला गया। अब ए अकेले गया तो बी ने सोचा चुपके से मैं भी खर्चा करने चला जाता हूं, अब कौन चला गया बी चला गया। अब बी को जाता देख के सी बैठेगा, कहेगा वो दोनों जा रहे तो हम काहे रुके हम भी जा रहे हैं, ये बड़ा गोला बना दिया मैंने। देखो अब कहा भैया हम भी जा रहे हैं तो अब कौन चले गए सी चले गया।
ए भी गया दुकान पे, बी भी चला गया दुकान पे और सी भी गया, तीनों अकेले अकेले गए। अब उधर जब तीनों अकेले अकेले गए तो पता चला ए जो है दुकान जा रहा था और बी जो है वो भी उसे मिल गया वहीं पर। तो ए ने बी से कहा कि यार हम दोनों अलग अलग क्यों जाएं, चलो साथ साथ चलते हैं। तो ए और बी अब की चले गए साथ साथ, अब की ए बी की जगह बी और सी चले गए साथ साथ, और अब की सी बी और सी की जगह सी और ए चले गए साथ साथ। मतलब पहले अकेले अकेले जा रहे थे, अब दोनों साझेदारी कर ली कि चलो दोनों लोग साथ साथ चलते हैं। अब दोनों लोग साथ साथ जा रहे थे, कोई किसी का साथी, कोई किसी का साथी, कोई किसी का साथी बन रहा था। अब की तीनों ने प्लान बनाया, चलो सब लोग इकट्ठा सब ही साथ चलते हैं। तो अपने मूवी की तरह धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल तीनों ही आपके साथ चले गए। वरना देखो पिक्चर में दो दो एक एक करके बढ़ रहा था पहले मामला, तो वो सब्सिडी बढ़ा रहे थे एक्चुअली उस मूवी में, समझ रहे आप? समझ नहीं पाए थे तब, आप समझ गए होंगे। तो देखो ये हमने क्या किया, इस सेट के जो एलिमेंट्स थे उनमें से सिलेक्टेड जो एलिमेंट हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट सेट्स तैयार किए। क्या बनाए? डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे सेट प्रिपेयर किए। तो यहां पर हुआ क्या, ये जो छोटे छोटे सेट बने हैं देख रहे हैं ना मासूम से, एक दो तीन चार पांच छह सात, ये मासूम नहीं है, ये तो वही चीज है। लेकिन गए तो गए, अब हम क्या कर सकते हैं, रोक तो सकते नहीं थे, वो तो प्रोड्यूसर का काम है रोकना ना रोकना। तो यहां पर क्या है फाइव ये वगैरह, तो समझिएगा वर्ड लिया था क्या सबसेट, मतलब सेट का थोड़ा सा सबसेक्शन कर दो, मतलब सेट को थोड़ा सा सब्सट्रैक्ट कर दो, मतलब सेट को थोड़ा सा कम कर दो। तो एबीसी में थे तीन एलिमेंट, एक बार तो इतना कम कर दिया कि एक भी एलिमेंट नहीं, फिर एक बार क्या कम किया दो दो कम कर दिए, फिर एक बार एक एक कम किया, और फिर अंत में कहा जीरो कम करेंगे, मतलब एक भी कम नहीं करेंगे। लेकिन एक्चुअली सबसेट क्या कहता है कि कम तो करो, चाहे कितना भी कम करो। तो यहां तक तो देखें तो बच्चा यहां तक तो वाकई एकदम सही तरीके से एलिमेंट्स को कम किया गया है, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, ये तो उसी को उठा करके कॉपी पेस्ट मार दिया ना, तो क्या कम हुआ? नहीं हुआ। तो यहीं से मेरे दिमाग में घंटी बजी कि ये प्रॉपर जो है वो प्योर है, मतलब वो सबसेट जो कहना चाहता है वही कह रहा है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए सबसेट में वो बड़े वाले सेट से कम होने चाहिए, इसलिए ऐसे सारे सबसेट क्या कहलाएंगे, प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। फिर आया इम्प्योर, जो जबरदस्ती का काम किया जा रहा है। तो ये जो इकलौता सबसेट यहां पर बैठा हुआ है ये जो है एक्चुअली सबसेट नहीं है, लेकिन यार बेचारे अकेले को क्यों छोड़ो, उसको भी कंटेन कर लो। तो वो वाला सबसेट, इकलौता ये वाला सबसेट क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, जो कि एक तरीके से क्या है सबसेट की डेफिनेशन को फुलफिल तो नहीं कर रहा, इसीलिए मैंने कहा था इम्प्योर। एक्चुअली ये मैंने आपको समझाने के लिए टर्म लिखे हुए हैं, इसका इससे वैसे कोई रिलेशन नहीं है। आई होप इन तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, समझ में आना चाहिए चाहे जैसे भी आए। तो यहां पर समझिएगा, तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब जैसे ये हमारे पास छोटे छोटे सबसेट्स थे, ठीक है, इन सबसेट्स में हो क्या रहा है, मैंने किसी भी सबसेट का कोई नेम रख दे परेशान नहीं होना, किसी भी सेट का कोई भी नेम रख सकते हैं। हमने इस वाले सेट को सपोज कह दिया क्या बी, क्या कह दिया बी, और इस वाले सेट सबसेट को सपोज क्या कह दिया डी, और इस वाले सबसेट को सपोज क्या कह दिया सी। ये हमने इनके क्या कर दिए, नेम्स यहां पर रख दिए। अब यहां पर देखो बी में एलिमेंट्स कितने, दो, और जो एलिमेंट आए हैं वो दोनों एलिमेंट क्या इसके पार्ट है, हाँ बिल्कुल, ए है बी है, अरे हाँ है, तो यहां पर सी है, अरे नहीं है भैया। तो यहां पर क्या है कि इसमें जो सबसेट तैयार हुआ है उसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो इसमें ना हो, बात समझिएगा। इस बात को जरा समझ लेते हैं एक एग्जांपल से, वन फिर से मैंने नंबर ले लिया, अरे यार नंबर ले लो, नंबर से ज्यादा डरना नहीं चाहिए, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, वन टू, और बी हमने ले लिया वन, और सी हमने ले लिया 1,3। अब जरा समझिएगा, एक और नंबर ले लेते हैं यार 1, 2 और 5, ये इस सब ये जो सेट है 1, 2, 5, हमने कहा इसके दो सबसेट हैं,
बी और सी, तो बी में कौन एलिमेंट है वन जो इसमें आया है कि नहीं आया? बिल्कुल आया है, तो हाँ ये सबसेट हो सकता है। लेकिन यहां पर देखो वन और क्या आया है थ्री, तो क्या थ्री इसमें है? नहीं, तो ये बेटा इसका सबसेट नहीं हो सकता। मतलब अगर हम कहें ए का सबसेट यानी इस वाले ए का सबसेट बी है, तो हम कहेंगे यस जो बी है ना वो ए का सबसेट है। लेकिन कैसा सबसेट है बेटा? प्रॉपर सबसेट। कैसा है? प्रॉपर सबसेट, मतलब इसमें क्या है, आपके जो बी में एलिमेंट्स हैं वो ए के कंपैरिजन में कम है, बी में जो एलिमेंट है वो ए के कंपैरिजन में कम है। तो ए जो है वो प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, सॉरी बी जो है वो प्रॉपर सबसेट ऑफ ए है, यानी बी जो है वो ए का एक छोटा सा पार्ट है। इम्प्रॉपर में समझे, यहां डी देखो, डी में सारे के सारे एलिमेंट वही है, तो मैंने कहा चलो ये सबसेट है, डी जो है वो ए का सबसेट है, मैंने कह दिया बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन कैसा है? इक्वल भी है, तो यहां पर एक और साइन लग जाता है, किसका? इक्वल का। अगर ऐसा सिंबल मिले तो समझ लेना डी और ए में एलिमेंट्स इक्वल हैं, और क्या है? डी ए का सबसेट। ऐसा मिले तो वो सबसेट तो है लेकिन इसमें इसके कंपैरिजन में एलिमेंट क्या है? कम है। तो ये कहानी थी बेटा किसकी? सबसेट की। अब किसी भी सेट के कितने सबसेट एक्चुअली बनाए जा सकते हैं ये भी समझ लीजिए। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है 2n, क्या होता है 2n, जहां n होता है सेट का कार्डिनल नंबर। क्या होता है बेटा? सेट का कार्डिनल नंबर। एबीसी में एलिमेंट्स कितने थे? 3, तो यहां पर n की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? 3, तो कितना आया? 8, यानी इसके कितने सबसेट बनने चाहिए थे? 8 सबसेट बनने चाहिए थे, 9 कर दिए, 8 बनने चाहिए थे, 1, 2, 3, 4, 5, 8, अरे 6 आते हैं ना, लाइक 6, 7 और क्या आया? 8, तो यहां पर टोटल कितने सबसेट बने? 8, ये भी क्या कह रहा था? 8 बनने चाहिए। तो आई होप आपको सबसेट का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट करना, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब चलिए जल्दी से, ज्यादा वीडियो लंबा ना हो वरना आप लोग भी ज्यादा देर तक बैठ रह पाते नहीं होंगे। कह दो सर जी इतने देर तक पढ़ाया करते हो, फर्जी में पढ़ा रहे? नहीं, सब काम का भैया, सब काम का। तो देखो चलो समझते हैं, ये बात हुई किसकी? सबसेट की। दो और टाइप पढ़ लेते हैं जल्दी से। एक होता है क्या, आपको मैंने कौन कौन से टाइप बता दिए मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहला जो आपका मैंने टाइप बताया वो नल सेट या एम्प्टी सेट, सिंगलेटन, फाइनाइट, इनफाइनाइट, यूनिवर्सल और इक्वल, इक्विवेलेंट, और अब बताया सबसेट के बारे में। एक और है डिसजॉइंट सेट। क्या कहते हैं? डिसजॉइंट। अगर कोई दो सेट ऐसे हैं मैंने दो सेट ले लिए ए और बी, इन दोनों में अगर देखें तो क्या कोई भी एलिमेंट कॉमन है? नहीं, क्योंकि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ऐसे सबसेट ऐसे सेट क्या कहलाते हैं? डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं, जिनके बीच कोई भी रिलेशन ना हो। तो आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपको बता दें कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पेशली इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी जैसे यूनियन के बारे में, इंटरसेक्शन के बारे में, डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। बट कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो एक नया टाइप आपका एक नया चैप्टर प्रिपेयर कराता है, दैट इज कॉल्ड रिलेशन एंड फंक्शन, तो उसे सेपरेट तरीके से बात करेंगे। इसमें आगे हम लोग बात करेंगे यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस के। तभी मैं एक चीज और बताऊंगा, आपको लग रहा होगा सर से छूट गया, बेटा छूटा नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री से। क्या बताऊंगा? कॉम्प्लीमेंट्री से, क्योंकि उसमें डिफरेंस आना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको मजा आया होगा। और कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम है कि सर ने कमेंट का रिप्लाई नहीं किया, बेटा मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, अभी शेड्यूल बड़ा बिजी चल रहा है। और आप लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक, शेयर और
जिन लोगों ने चैनल, हाँ एक बात और जान लीजिए, सब्सक्राइब सिर्फ एक बार होता है चैनल। कुछ लोगों का मुझे मैंने देखा एक्चुअली कि उन्होंने क्या किया, एक बार सब्सक्राइब दबाया मेरे के लिए कि ये राजा सर के लिंक से है तो इससे चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं। फिर हुआ क्या, केमिस्ट्री जो मैम पढ़ाती रंजना मैम उनके लिए भी उन्होंने सब्सक्राइब दबाया, फिर पीएन सर के लिए। तो बेटा चैनल एक ही है, ये समझ लो एक ही जगह पे तीनों लोग मिल रहे हैं, ठीक है। तो बार बार नहीं, आपका रेड कलर का बटन आता है बेटा, उसको एक बार टप से दबा दोगे तो वो लाल से हो जाएगा ग्रे कलर का, यानी रेड से हो जाएगा ग्रे, मतलब सब्सक्राइब हो गया। अगर रेड है तो उसको ग्रे करना मत भूलना और घंटी बजा देना ताकि आपको जैसे वीडियो अपलोड हो तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का दिन आप बेहतर तरीके से एंजॉय करिए और अपने देश के लिए हमेशा समर्पित रहिए और इस देश की सेवा करिए, क्योंकि देश है तो हम हैं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।